अगर पाती तितली का फूल फूल पर उड़ती मैं, कंठ अगर पाती कोयल का मीठे गीत सुनाती मैं, पर मम्मी पापा कहते हैं मैं तितली से भी प्यारी हूँ, बढ़कर राजकुमारी से भी उसकी राज दुलारी हूँ, पहन कर रंग बिरंगे कपड़े जब मीठे गीत सुनाती हूँ, सब कहते हैं कि मैं कोयल से भी मीठा गाती हूँ, इसलिए मैं सबसे प्यारी न्यारी हूँ। तो इसी के साथ मैं अनुष्का मिश्रा कृष्णन सदन की ओर से इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रभु की आराधना करते हैं। को स्वर्ग बना दो, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणानिधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणानिधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। करुणानिधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणानिधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो। अपने देश के प्रति प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो। सुप्रभात दोस्तों, मैं वैभव सिंह क्लास 6C से कृष्ण सदन की ओर से आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रतिज्ञा। शपथ के लिए तैयार। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। मैं इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व करता हूँ। मैं इसकी सुयोग अधिकारी बनने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। मैं अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करूँगा तथा बड़ों के साथ
विनम्रता का व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुखनीत है। जय हिंद। हमें हमारे देश और विदेश में क्या हो रहा है इसकी बात की खबर होनी चाहिए। चलिए आज की खबर जानने हेतु बुलाते हैं रेडियंट के रिपोर्टर्स को। ₹78 करोड़ की लागत से 821 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण। 20 सड़क पर गोलियां बरसाने वाला सिपाही विमलेश गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज पुलिस के सामने रहा बेखौफ। निवेशकों के हड़प जिए। 200 सड़कों प्रयागराज में कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 पर मुकदमा। धन्यवाद। प्रत्येक दिन दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो एक महत्वपूर्ण इतिहास बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन का इतिहास। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अर्पिता मिश्रा आज सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। साल 1569 में इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ। साल 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुल्ला लल्लमपुर पर अपना अधिकार किया। साल 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस लिया। साल 1955 में भारतीय अखबार कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। साल 1972 में पूरे पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया। धन्यवाद। मैं आर्यन जायसवाल कक्षा 6 से कृष्ण सदन की तरफ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है का 5 सितंबर, खा 14 सितंबर, ग 27 सितंबर, ग 3 दिसंबर। प्रश्न नंबर फिर से सुनिए। प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? का 5 सितंबर, खा 14 सितंबर, ग 27 सितंबर, घ 3 दिसंबर। आपका सही विकल्प है खा 14 सितंबर। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में किन उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? आपके विकल्प हैं कॉफी उद्योग में, खा चाय उद्योग में, ग सब्जी उद्योग में, उगाने उद्योग में, घ पापड़ उद्योग में। आपका विकल्प सही है खा चाय उद्योग में। आपका तीसरा प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपका पहला विकल्प है का बांस का, खा केले का, गा नीम का, घा नींबू का। आपका तीसरा प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपका विकल्प है का बांस का, खा केले का, गा नीम का, घा नींबू का। आपका सही विकल्प है का बांस का। आपका चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आप भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं का उत्तर प्रदेश में, खा झारखंड में, गा उड़ीसा में, घा मध्य प्रदेश में। आपका सही उत्तर है घा मध्य प्रदेश में। आपका पांचवा प्रश्न है, जनरल बिपिन राव का जन्म किस जगह पर हुआ था? जनरल बिपिन राव का जन्म किस जगह पर हुआ था? आपका विकल्प है का हिमाचल प्रदेश, खा उत्तराखंड, ग हरियाणा, घ पंजाब। आपका सही उत्तर है खा हरियाणा। नमस्कार। राष्ट्रगान के लिए तैयार हूँ। चल दी तरंग।
दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए।